हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रितेश और आपका स्वागत है हमारे नए पाइथन ट्यूटोरियल्स में। तो लास्ट टाइम हमने साथ बात की थी स्ट्रिंग वेरिएबल्स की, तो आज हम बात करेंगे और लिस्ट की बात की थी हमने और स्ट्रिंग वेरिएबल्स की बात की थी। तो हम आज बात करने वाले हैं टपल्स और सेट के बारे में कि टपल्स और सेट क्या है। आप लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा सर्च भी किया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल एंड सेट, दिस इज बिगिनर क्वेश्चन कि टपल और सेट्स और सॉरी लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम पाइथन में आ चुके हैं अपने पाइथन 3 टाइप करके और आपने आईडी ओपन कर ली होगी, होप सो। अब हम करते क्या है, सबसे पहला काम जो हमारा है पाइथन में लिस्ट। हम लिस्ट कैसे बनाते थे, लिस्ट इज इक्वल टू लिखते ब्रेसेस में कुछ भी नाम लिख देते थे, जैसे 1 2 3 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये लिस्ट बना लिया। अब मैं लिखूंगा टपल, TUP लिख लेता हूँ मैं। टप कैसे बनाऊंगा मैं, उसके लिए लिखूंगा मैं पैरेंथिसिस। इसको पैरेंथिसिस बोलते हैं या फिर आप इस ब्रैकेट बोल सकते हो। यहां लिखते हैं 1 2 एंड 3, तो अगर मैं लिस्ट करता हूं तो भी 1 2 3 आ रहा है, TUP प्रेस कर रहा हूं तो भी 1 2 3 आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। मीन्स अगर लिस्ट की प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ, सीक्वेंस चेक करता हूँ, इस 0 पे मुझे क्या 1 मिल रहा है, TUP टपल में अगर मैं 0 देखता हूं तो 1 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं लिस्ट 0 इक्वल टू 5 कर देता हूं तो 5 हो गया। अभी आप लिस्ट 0 5 ट्राई करो, 5 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं टपल 0 इक्वल टू 5 लिखता हूं तो ये नहीं होता। मीन्स कि मैं अगर टपल मैंने क्रिएट किया है तो उसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। मीन्स अगर मेरे पास टपल्स हैं वो सेम वैल्यू रहेंगे, सब कुछ रहेगा, रिप्लेस नहीं हो सकता। तो फिर वर्क क्या है इसका, आइए टप के ऑप्शन देख लेते हैं। टपल के हमारे क्या क्या है, टैप डॉट मैंने प्रेस किया। आप अगर चाहो तो आपके में ऑप्शन शो हो रहे होंगे, मैं टैप टैप प्रेस करता हूँ। काउंट और इंडेक्स, केवल दो ही काम है टपल में, काउंट करना और इंडेक्स करना। न तो आप काउंट में जितनी, अगर 5 बार आपने 1 लिखा हुआ तो 1 काउंट करेगा या फिर इंडेक्सिंग करेगा 1 2 3 4। लेकिन जो बाकी फंक्शन थे, जैसे कि आप लिस्ट के फंक्शन देखो, लिस्ट डॉट इतने सारे फंक्शन है, काउंट इंडेक्स पॉप इंसर्ट रिमूव सॉर्ट, तो ये डिफरेंस है। लेकिन अब टपल यूज क्यों करेंगे फिर, अगर टपल में कम फंक्शंस हैं और टपल यूज करना है हमें। टपल्स ये है, थोड़ा फास्ट है। मीन्स अगर आपके पास अगर लिस्ट बहुत लंबी है, उस लिस्ट में से अगर आपको 3 या 4 चीजें ही केवल पिक करनी है और उसको कहीं पास करना है बाई सिक्वेंस, तो आप उसको टपल में करोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी छोटे प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई सुनने वाला, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम बहुत ही बड़े प्रोग्राम लिखते हैं जहां बहुत सारे टपल्स लेने हैं, एक साथ मल्टीपल यूजर्स उसमें वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम लिस्ट लेते हैं तो मेमोरी बहुत कंज्यूम होगी। मीन्स अगर आप समझ लो कि 2x मेमोरी यूज होगी, एज मतलब कि जैसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मीन्स फॉर 2x नहीं हो सकता, कुछ कम हो, लेकिन 2x मेमोरी। अगर आपके पास 100 GB मेमोरी है और आपके 100 GB के बजाय अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो तो आपको 200 GB मेमोरी यूज हो जाएगी। मीन्स रैम, मीन्स मैक्सिमम लोगों को रैम सुन में रैम यूज हो जाएगी आपको 200 GB। तो 200 GB रैम यूज होने की वजह से आपके पास 100 GB रैम है, 200 GB और बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, आपको प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, टपल लोगे। अगर आपको लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको पता है क्या वर्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया लिस्ट और टपल, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आते हैं सेट पे। तो सेट मैं ले लेता हूँ, सेट इक्वल टू एसटी लेता हूँ, सॉरी एसटी क्या करेंगे हम ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं ब्रेसेस, इसको ब्रैकेट बोल सकते हो, कर्ली ब्रेसेस बोल सकते हो आप। 1 2 अब एसटी का ऑप्शन देखते हैं, एसटी प्रेस कर 1 2 3 आ गया। अब एसटी डॉट देखते हैं क्या क्या इसमें आ रहा है आपका, बहुत सारी चीजें क्लियर डिफरेंस कॉपी अपडेट। और एच टी एम में इसको रिप्लेस करके देखते हैं, रिप्लेस होता है नहीं होता, सॉरी 0। अब सबसे खास बात ये 0, एच टी कोई भी आपका सीक्वेंस को ऐड नहीं करता। तो आप समझ चुके हो कि एच टी मतलब कि और भी छोटी चीज है जिसके अंदर और भी ज्यादा फीचर्स नहीं है, जो कि आप यूज तो कर सकते हो उसको, लेकिन मतलब इसको एज ना इसमें सिक्वेंस है ना कुछ भी है, कुछ नहीं आता। आइए एच टी का देख लेते क्या 1 2 3 शो कर रहा है। अगर मैंने जो एसटी लिया हुआ है पहले, अगर तो मैं ज़्यादा ले लेता हूँ यहाँ पे 20 43 42 11 ऐसा कुछ लेता हूँ,
फिर एस टी प्रेस करता हूँ, फिर देख सकते हो उसका सीक्वेंस कहीं पर भी कोई चेंज, मतलब कहीं भी कुछ भी ले ले रहा है सीक्वेंस, ना कुछ सीक्वेंस है ना कोई पैटर्न है। इसमें हमने एक कंटेंट रख दिया अपना, एक सामान ऐसा है कि एक समझ लो कि एक कंटेनर, इसमें सामान रख दिया हमने सारे, लेकिन उसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कहीं भी रखा कैसे भी रखा हमने, कोई भी कहीं पर ही मर्ज हो जाएगा। बस ये है कि हम इसमें से कुछ भी चीजें हटा सकते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये और भी लेस मेमोरी लेगा। मीन्स अगर आपको पता है कि 10 बंदों को भेजना है इस क्लास में, 10 बंदों को इस क्लास में भेजना है, कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आपको क्लास है, आपने क्लास को किया, सब बंदों को अलग कर लिया, अलग करने वाला आपको 10 10 लोगों को भेजना है, 10 लोगों आपने चुन लिए एज ए टपल, चुना पहले आपने टप्पल, के बाद क्या इंडेक्सिंग करने की, लेकिन आपको ये लगा कि अब और काम नहीं करना मुझे, बस सिंपल भेज देना 10 बंदों को, बिना किसी इंडेक्सिंग के भेज रहे हो, तो आप सेट यूज कर रहे हो। मीन्स मतलब आपको बिल्कुल भी कम मेमोरी यूज कर रहे हो। मीन्स अगर आपको और भी कम मेमोरी यूज करनी है, बिल्कुल ही सिंपल एक पुश करना है बस, कोई बिना सिक्वेंस के कुछ भी, तो वो सेट होगा। तो मुझे लगता है काफी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा वो समझ चुके हैं क्या होता है। तो अभी आप चाहो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इसके बारे में, तो हो सकता है कि मेरी वीडियो, हाँ अभी फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद अब मेरी वीडियोस जो आएंगी वो मंडे आएंगी, तो आप 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करें, और मंडे को हो सकता है हम रिविजन रखें, रिविजन या फिर नया सेशन शुरू करेंगे, आप बताना मुझे क्या करना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर मंडे को, तो थैंक यू, बाय बाय।